नवीन भाई, स्टूडेंट एंड यूथ फाउंडेशन ने शुरू किया स्कूल कॉलेजों का दौरा, छात्रों की समस्याओं को लेकर प्रबंधन से की चर्चा। नवीन भाई, स्टूडेंट एंड यूथ फाउंडेशन ने छात्रों की समस्याओं को लेकर अपना दौरा प्रारंभ कर दिया है। शिक्षण हक अभियान के नाम से शुरू फाउंडेशन के इस दौरे का पहला पड़ाव वाशी का राजीव गांधी कॉलेज रहा। यहां फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कॉलेज प्रबंधन से मुलाकात की और ज्ञापन देकर छात्रों की फीस वसूली में सहूलियत देने एवं अन्य समस्याओं को सुलझाने की मांग की। अभियान का नेतृत्व कर रहे फाउंडेशन के अध्यक्ष मनोज महाराणा ने कहा कि लॉकडाउन के कारण छात्रों के अभिभावक आर्थिक संकट में हैं, इसलिए वे एक साथ फीस चुकाने की हालत में नहीं है। ऐसे में फाउंडेशन छात्रों के लिए कॉलेज प्रबंधन से सकारात्मक सहयोग की अपील कर रहा है। शिक्षा जैसे हर विद्यार्थी का अधिकार है, ये उद्देश्य आज नवी मुंबई स्टूडेंट एंड यूथ फाउंडेशन की तरफ से हम लोग ने आज एक शिक्षण हक अभियान या अभियान की शुरुआत की है। माननीय श्री दशरथ भगत साहब और माननीय श्री निशांत भगत साहब, इनके मार्गदर्शन के नीचे आज ये अभियान की शुरुआत करने आई। यह अभियान में हम लोग ने राजीव गांधी कॉलेज के प्रिंसिपल को और मॉडर्न कॉलेज के प्रिंसिपल को, केबीपी कॉलेज के प्रिंसिपल को, इन्होंने इनको हमने निवेदन दिया है और हमने इनसे दरख्वास्त की है कि जो आज के डेट में जो कोरोना का जो चल रहा है, जो बढ़ता कोरोना जो बढ़ रहा है, कोरोना का संसर्ग हर जगह पर, और इसके वजह से जो धंधा रोज़गार विद्यार्थियों को जो तकलीफ़ हो रही है, वो तकलीफ़ हम लोग ने, वो भावना कहीं तो पहुंचाने का हम लोग ने प्रयास किया है। और इसमें हम लोग ने उनसे विनंती की है कि जो कॉलेज के तरफ से या स्कूल के तरफ से जो स्टूडेंट्स लोगों को जो बोलते हैं ना हैरेसमेंट के कर रहे हैं, तो वो हैरेसमेंट ना हो, उनको सही से उनका एजुकेशन उनको कंप्लीट करने दे, उनको फ़ीस के रिलेटेड में उनको जो तकलीफ़ दी जा रही है या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू उनको जो तकलीफ़ें हो रही है, वो सब तकलीफ़ें हम लोग ने एक निवेदन के थ्रू इनके पास पहुंचाने का हमने ट्राई किया है। और इसमें प्रामुख्य में दो तीन हम लोग ने मुद्दे इनमें रखे हैं, जिसकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब है, फाइनेंशियल कंडीशन जरा एक विद्यार्थी की ख़राब है, तो आप उसमें थोड़ा सा उसको मदद करें, उसको कंसेशन देने का आप ट्राई करें। दूसरा, जो एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स लोगों को तकलीफ़ें हो रही है क्योंकि कॉलेज बंद है तो बार बार कॉलेज में नहीं आ सकते, इसलिए आप एक समिति बनाएं जिनमें करूँ जो विद्यार्थियों को उनका नंबर दे, कोई एचओडी, आप तीन चार सर लोगों का एक समिति बना के उनके नंबर आप पब्लिश करें, जैसे करो विद्यार्थी कांटेक्ट करेगा अगर कुछ इशू होता है तो। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस ऐसे जिनके वेबसाइट चल नहीं रही है और विद्यार्थियों को क्या करना है उनको आगे का पता नहीं। तो उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट की, जो सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए इंस्टॉलमेंट की प्रक्रिया इन्होंने लागू की है, बट ये सभी को ज़रूरत है। आज के डेट में पैसा सभी के पास ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए वो कहीं तो इंस्टॉलमेंट की प्रक्रिया बढ़ाए और उनको इंस्टॉलमेंट की जो मुद्दत है वो ज़्यादा दे और एक रिजनेबल अमाउंट का दे, ये हम लोग ने लिया है। जो फैसिलिटीज़ कॉलेज के अंदर यूज़ नहीं हो रही है, जो विद्यार्थी कॉलेज में नहीं आ रहा हो, फैसिलिटीज़ का यूज़ नहीं कर रहा, तो उसकी फ़ीस ना लागू करें। जैसे आपको एग्जांपल दे दूँ, जैसे लाइब्रेरी हो गया, लैब हो गया, इनके पैसे उनसे ना ले। तो ये सब चीज़ें हम लोग ने लेके, ये सब मुद्दे, ये सब समस्या लेके हम लोग ने हर एक दो प्रिंसिपल को हमने अभी मिला है और उनके तरफ से हमको 80-90% अच्छा रिस्पांस मिला है। उन्होंने कहा कि ये जितने मुद्दे आप लोगों ने लिए, ये जनरल मुद्दे, ये हर एक कॉलेज, हर एक मैनेजमेंट लागू कर सकता है, तो उन्होंने भी लागू करने का हमें आश्वासन दिया है। तो अभी आगे का देखेंगे, अभी हम आगे के कॉलेज में हम घूमेंगे, हमें कैसा रिस्पॉन्स मिलता है वो हमें पता चलेगा। बता दें कि नवीन भाई स्टूडेंट एंड यूथ फाउंडेशन भाजपा नेता दशरथ भगत के मार्गदर्शन एवं युवा नेता निशांत भगत के सहयोग से संचालित युवाओं का संगठन है। फाउंडेशन का मकसद नवीन भाई के छात्रों एवं युवाओं की समस्याओं का हल तलाशना और पीड़ित छात्रों को न्याय और हक दिलाना है। शिक्षण हक अभियान में पदाधिकारी सभी स्कूल कॉलेजों का दौरा कर रहे हैं और मसलों को लेकर अपनी मांग रख रहे हैं। इस पर राजीव गांधी कॉलेज के प्रिंसिपल वीएस पांडे ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, जिसमें बच्चों को फ़ी में सहूलियत देना, फ़ी के लिए जो पेरेंट्स को प्रेशराइज कर रहे हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट, वो अवॉइड हो। एडमिशन के टाइम पे अगर बच्चे के पास पैसा नहीं है, तो जैसे उनके पास बहुत सारी कंप्लेंट्स थी अलग अलग कॉलेजेस के, स्कूल्स की, कि उन बच्चों को ग्रुप से निकाल दे रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं ले रहे हैं। बट ऑलरेडी उन्होंने मेरे पास ये निवेदन दिया था एंड मैं अप्रिशिएट करूँगा मनोज महाराणा और उनकी टीम को कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे मुद्दे लाए। ऑलरेडी मनोज ने मेरे से एक महीने पहले बात किया था इस मामले में कि सर ऐसे ऐसे हमारे कुछ पॉइंट्स हैं एंड
वेरी प्राउडली आई कैन से दैट वी आर द फर्स्ट कॉलेज टू इम्प्लीमेंट. ऑलरेडी वी आर इम्प्लीमेंटेड ऑल दीज पॉइंट्स सिंस मे. हमने जब एडमिशन चालू किया सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर का, तभी हमने बच्चों को ये फैसिलिटी दे दी कि यू कैन पे एज पर योर कन्वीनियंस, बिकॉज दिस पेंडेमिक हैज़ अफेक्टेड एवरीबडी. लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत सारे लोगों के पास जॉब की कमी है, कई लोग गाँव चले गए थे. तो हमने ऑनलाइन फैसिलिटी चालू किया ताकि आप घर से बैठ के भी एडमिशन ले सकते हो. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने मेंशन किया, यू कैन पे एज पर योर कन्वीनियंस. सो जिन पेरेंट्स के पास थोड़े पैसे ज़्यादा थे उन्होंने ज़्यादा भरे. इवन जिस बच्चे के पास 500 रुपीज़ था उन्होंने 500 भर के भी एडमिशन लिया. बिकॉज इवन आवर ट्रस्ट, साईनाथ एजुकेशन ट्रस्ट और हमारे ट्रस्टी चेयरमैन श्री हरिवंश सिंह जी बिलीव करते हैं कि हर बच्चे को एजुकेशन का हक है. सो इसलिए हमने, और मैं मनोज को इस मामले में स्पेशल बधाई दूंगा, कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट उन्होंने उभारने की कोशिश की. बिकॉज स्टूडेंट यूनियन या स्टूडेंट एक्टिविटी बस इतना नहीं है कि आप बच्चों के लिए जाओ और उनको अलग अलग मांगनी करो. ये जो मांगनी है जो उन्होंने रखा है हमारे सामने, जैसे किसी बच्चे को एजुकेशन से वंचित ना किया जाए, टप्पे की सुविधा दी जाए ताकि बच्चा इंस्टॉलमेंट ऐसा फिक्स ना किया जाए कि दो ही टप्पे में भरना है. अगर फ़ी ज़्यादा है तो उसको मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट मिले, पॉसिबल हो तो मंथली कर दिया जाए. सो ऑलरेडी हम वो कर रहे हैं. एंड मैं उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा कि इतने अच्छे उन्होंने मुद्दे उठाए. ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया. लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें.